नमस्कार, होम डेकोरेटर देसी अंदाज में आपका स्वागत है। और आज हम एक रंगोली बनाएंगे जो कि उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल भी, जिनको रंगोली नहीं आती है बनाना, उन लोगों के लिए है ये। और ये बहुत ही सिंपल है, आसान है, चाहो तो जिनको आती है वो भी एक अलग टाइप करके आप बना सकते हो इसको। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पेपर रख दिया है इस तरह से, और मेरे पास एक छलनी है रंगोली की, और हम इसमें कलर लेंगे, जो भी कलर आपको पसंद हो आप ले सकते हो। और बस हमको इस तरह से कलर बिछाना है छलनी की हेल्प से, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इधर भी हम इस तरह से कलर डाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने येलो कलर जो है इस तरह से मैं डाल चुकी हूँ पेपर के चारों साइड से। अब मैं ब्लैक कलर लूँगी। ब्लैक कलर को बस मैं इस तरह से एक एक डॉट डाल दूँगी दूर दूर। इस तरह से हमने सब जगह से डॉट लगा डाल दिए, और बस हमको एक उंगली से इस तरह से उसमें इस तरह से आकार करना है। फूल का आकार हम दे देंगे उंगली से, आसानी से आ जाता है ये इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे फ्लावर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ये जो पेपर है इसको बस आराम से उठा लेंगे। और ये जो फ्लावर्स हैं उसके बीच में मैं एक ब्लू कलर का डॉट दे दूंगी बड़ा सा, ताकि आप दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत कलर आते हैं रंगोली में, जो भी आपको कलर पसंद हो आप ले सकते हो। और इस तरह से हमारे जो फ्लावर्स है वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरे पास है इस टाइप से एक फ्रेम है मेरी, ये पहले से ही मैंने बना के रखी हुई थी। फ्रेम काफ़ी सारी हमारे घर में अवेलेबल रहती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। कुछ भी फ्रेम चलेगी जिसमें इस तरह से आर्ट हो या फिर और भी कुछ हो, पिक्चर्स वगैरह, तो वो भी चल सकती है। और इस फ्रेम को मैं बस ये जो बीच वाला जो गैप है उसमें रख दूंगी इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत ऐसी हमारी रंगोली तैयार हो गई है, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो पेंटिंग अवेलेबल है, इसमें ये मधुबनी पेंटिंग है और इसमें मैंने येलो कलर का यूज़ किया हुआ था, तो इसीलिए मैंने साइड में येलो कलर लिया हुआ था। आप चाहो तो अलग कलर भी ले सकते हो, और आपके या फिर आपका जो पेंटिंग है उसमें जो जो कलर यूज़ हो रहे हैं वो भी आप डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही कलर डालना है, आप काफ़ी सारे कलर भी इधर कॉम्बिनेशन में डाल सकते हो। बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये इस तरह से। देखिए बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग हमारी तैयार हो जाती है बहुत ही जल्दी, 2 या 3 मिनट में ये हो जाती है, और बहुत ही खूबसूरत भी दिखती है। और साइड से बस मैंने वाइट कलर से एक बॉर्डर निकाल दी है, वो भी बहुत आसान है। सिंपल सी मैंने वाइट रंगोली लेके इस तरह से साइड से डाल दी थी, और ये बहुत ही खूबसूरत ऐसी हमारी रंगोली तैयार हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है इस तरह की रंगोली निकालने का। और तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।